ऐसा है ना, ये सब लोगों ने बैठ के तय किया था कि जो सबसे छोटे होंगे उनको सबसे पहले निकाला जाएगा और जो टीम लीडर है वो पांच लोग वो सबसे अंत में निकले हैं। तो ये सबसे क्रूशियल मोमेंट कौन सा था? एज में और जो भी क्राइटेरिया बनाया गया था सर, सबको निकाल लिया गया है, सबको निकालने नहीं, जिस दिन देखिए ये 16 तारीख को जिस दिन ये अभियान तेजी से चल रहा था और लगभग 24 मीटर के आसपास पहुंच गया था, अचानक वाइब्रेशन तेज होने लगा और मशीन भी अंदर जाकर फंस गई। वो मोमेंट बहुत ही कठिन था और चूंकि उस दिन मैं एक कार्यक्रम के बाद मैं जैसे ही भोजन करने को जाने वाला था 3:30 बजे और मुझे जैसे सूचना मिली तो वो मुझे एकदम से बहुत बड़ा मुझे एक झटका जैसा लगा, लेकिन मेरा ईश्वर पर और बाबा बौखनाथ पर पूरा भरोसा था कि वो निश्चित रूप से सबका जीवन बचाएंगे, सबको सुरक्षित बाहर निकालेंगे और उनका आशीर्वाद। देखिए ऐसा है कि अभी वो सारे के सारे एक लंबी चूंकि हवा पानी और एक अलग वातावरण से बाहर आए हैं तो अभी जो डॉक्टरों की सलाह होगी उसके आधार पर ही हम लोग काम करेंगे, उसके आधार पर उसके बाद उनको घर भेजना होगा या जो भी करना होगा। पहले मेडिकल सुपरविजन में उनको रखा जाएगा, उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, उसके बाद आगे की कोई क्रिटिकल तो नहीं है सर? कोई क्रिटिकल नहीं, सारे सामान। एक मिनट इनको पूछने दो, उसके बाद आपके पास सर। वर्कफोर्स कितना था, कितने लोगों को लगाया हुआ था, खासतौर पर अगर ऑपरेशन की बात करें? कितना बड़ा इन टर्म्स ऑफ नंबर? इन टर्म्स ऑफ नंबर अब ये नंबर तो मैं आपको देख के बता दूंगा, लेकिन इसमें जिन जिन लोगों की भी आवश्यकता पड़ी और देश के अंदर और विदेशों में भी जो टेक्नोलॉजी और जो विशेषज्ञ इसके थे हमने सभी से कंसल्ट किया था और जो सबसे अच्छा रेस्क्यू हो सकता था उस तरफ हम लोग बढ़े। हालांकि कठिनाई आई, एक मिनट बात कंप्लीट कर लेंगे। जी सर बोलिए। जी सर, जी सर, तो वो अभी एस्टीमेट लगाना मुश्किल है, वो आपको बता देंगे अलग से। सर, और जितने भी लोग लगे यहाँ पे कौन थे? आप थे, आपका हो गया। आप भी बाबा बागना के मंदिर में गए, वीके सिंह भी बाबा बागना के मंदिर में गए। गांव वालों का कहना है कि जब तक मंदिर नहीं बनेगा हम आगे काम नहीं होने देंगे। क्या सरकार वो पहले ही हम लोगों ने तय कर लिया है कि मंदिर वहाँ पर बनेगा बाबा बागनाथ की कृपा से। गांव वालों से पूछने से पहले ही वो डिसाइड हो गया, ऑलरेडी सो मोटो हम लोगों ने। एक मिनट बाबा। इस पूरी कड़ी में रैट माइनस की भूमिका कितनी अहम थी, वो अंतिम पड़ाव में आए और पूरा ही आपने शायद मैंने जो सबसे पहले बीच में बोला था आपने शायद उसको ध्यान नहीं दिया। वो उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, दिल्ली जल बोर्ड से भी आए थे, गोरखपुर से भी आए हुए थे, उन लोगों ने मैनुअली जाकर जो काम किया वो बहुत निर्णायक इस पूरे अभियान को निर्णय तक पहुंचाने का काम उन्होंने भी किया है। सर, मजदूरों के लिए किसी राहत राशि का ऐलान किया गया? कोई समर्थन राशि उनके लिए? राहत राशि इम्पोर्टेंट नहीं, सभी समर्थन राशि, राहत राशि। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है, फर्स्ट डे से लास्ट दिन तक वो चुनावी व्यवस्था के बावजूद इस पर मॉनिटरिंग करते रहे, उनकी समेत रहे, पूरे देश ने देखी है, क्या कहेंगे? मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी का अगर इतना विशेष इस पर अभियान पर ध्यान नहीं होता, विशेष उनका जोर नहीं होता तो इतना कठिन चुनौतीपूर्ण अभियान इस तरीके से पूर्ण करना आसान नहीं होता। और उन्होंने और अभी भी उनका कितना ध्यान है कि प्रातःकाल जब वो चुनाव अभियान में निकलते होंगे प्रत्येक दिन जानकारी लेते थे और किस प्रकार से रेस्क्यू अभियान को चलाना है उस प्रकार से करते थे। एक तरह से मैं उत्तराखंड का मुख्य सेवक हूँ, मुझे उन्होंने एक काम दिया हुआ था कि किसी भी तरीके से इस काम को सफलता की ओर ले जाना है। आप कोई और है इधर? सर, आपने कब ठाना कि मुझे यहाँ कैंप करना, आपने कब ठाना कि मुझे यहाँ कैंप करना पड़ेगा और आपने लगातार कैंप किया? नहीं, मैं दीपावली के अगले दिन यहाँ आया था और उस दिन के बाद फिर मैं लगातार यहाँ आता रहा बीच में, और एक समय ऐसा आया कि अभियान हमारा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, फिर बीच में रुका। जब बीच में अभियान रुका तो उसके बाद मैंने तय किया कि जब तक ये अभियान पूरा नहीं होगा मैं सारा कामकाज यहीं पर रुककर करूंगा, कामकाज भी करूंगा और इस अभियान को भी पूरी तरह से देखूंगा। एक मिनट नहीं, राहत राशि के लिए हमने अभी
सभी श्रमिक भाइयों के लिए अपने उत्तराखंड राज्य की तरफ से एक एक लाख रुपए की जो है व्यवस्था की है, एक एक लाख रुपए की जो है कल हम उनको सभी को चेक सौंपेंगे और भी जो सहायता होगी वो करेंगे। और एनएचआई डीसीएल जिसमें वो सभी लोग काम करते हैं उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि उस हमारे इन श्रमिक भाइयों को जो 41 हैं उनको जो है कुछ दिनों के लिए 15 दिन 20 दिन या एक महीने के लिए सशर्त सवेतन उनको जो है उनके घर जाने के लिए और रहने की जो है अनुमति दे दें।